दोस्तों, हम सभी को अपने पूर्व जीवन के विषय में जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि हम अपने पूर्व जीवन में, अपने पूर्व जन्म में क्या थे, क्या करते थे, किस प्रकार का हमारा कर्म था, किस किस प्रकार के हमारे कर्म रहे हैं जो उसका फल इस जीवन में ट्रांसफ़र हुआ है, जिसके कारण आज हमारा जो जीवन में स्थिति परिस्थिति है वो हम सभी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का हमारा पूर्व जीवन रहा है, पूर्व जन्म रहा है। आज आप सभी को अपने पूर्व जीवन के विषय में जानने का मौका मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हम यह बात करेंगे कि पूर्व जीवन के किस प्रकार के कर्म आपके बचे हुए कर्म हैं, किस प्रकार के शेष कर्म हैं जो आपको इस जीवन में करना है, जिसके हेतु आपका जन्म हुआ है, हम इस विषय में जानेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप अपने कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि किस किस प्रकार के कर्म आपके बचे हुए कर्म हैं पूर्व जीवन के, यह हम किस प्रकार से जान सकते हैं। तो आपने पास्ट लाइफ के ऊपर हमारे चैनल में कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने पास्ट लाइफ के कर्माज के ऊपर बात किया था कि आपके संचित कर्म, आपके बैड कर्म, आपके छिपे हुए कर्म, आपके गुड कर्म, आपके प्रारब्ध कर्म किस किस प्रकार के हैं वो हम कैसे जाने, जिसमें हमने सिक्स्थ हाउस के विषय में बतलाया था कि यह हमारा पूर्व जीवन का जो बचा हुआ कर्म है, वैसे कर्म जो हमने आधा अधूरा करके छोड़ दिया है और इस जीवन में हमें उसे शेष पूर्ण करना है। तो यह जो हमारा कुंडली चार्ट है, जो हमारा बर्थ चार्ट है, लग्न कुंडली, उसके सिक्स्थ हाउस से हम देख सकते हैं कि हमारे पूर्व जीवनों में जितने भी हमारे जन्म हुए हैं उन सब को एक साथ कंपाइल कर दिया जाए तो उस पार्ट को हम समझ सकते हैं लग्न कुंडली के छठे भाव से। लेकिन एग्जैक्टली पूर्व जीवन का एज ए ह्यूमन बींग हमारा किस प्रकार का कर्म, बचा हुआ कर्म है, यह हम समझ सकते हैं शनि से, क्योंकि शनि आपके कर्म के अधिपति देवता है। शनि को दंडाधिकारी बोला जाता है क्योंकि वह कर्म को वॉच करते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली आपके कर्म को वॉच करते हैं और आपको एक स्पिरिचुअल साइकिल को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। क्या है यह स्पिरिचुअल साइकिल, पहले हम इस विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सब इंसान और जो भी जीव योनि है, यह सभी जीव आत्मा है। इनके अंतर्गत जीव आत्मा, यह जो चलायमान हम सब हैं, हमारे अंदर जो जीव आत्मा है उसके कारण है। उसी प्रकार आत्मा की भी कुछ अपनी अपनी श्रेणी है, जो उसमें सबसे उत्तम है परमात्मा, परम जो आत्मा है, ईश्वर का जो आत्मा है। तो हम सब एक एनर्जी पैकेट के रूप में हैं और इस भूलोक में काफ़ी समय से विचरण कर रहे हैं। अलग अलग लोकों में हमारा विचरण एज ए जीव आत्मा होता रहता है। तो इस भूलोक में किसी का जन्म होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जातक अपने पूर्व जीवनों के जो भी, जिसमें भी, शायद हमारा जन्म किसी देवता के योनि में भी हुआ हो कभी, तो हमने इन सभी जीवनों में जो किस किस प्रकार के हमारे कर्म हैं और किस प्रकार से हमें इस जीवन में चलना चाहिए और पार करना चाहिए, क्योंकि उस जीव आत्मा का जो परम पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आत्मज्ञान, खुद के विषय में जानना, क्योंकि यह हमें सैल्वेशन देगा, इस जगह से मुक्ति देगा। मुक्ति का अर्थ यह नहीं हुआ कि वह आत्मा गायब हो जाएगा, भगवान में जाके मिल जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं हुआ। मुक्ति का अर्थ हुआ कि इस यह जो जन्म मरण है उससे किस प्रकार से मुक्ति मिल पाए, तो उसका ज्ञान यह ज्योतिष शास्त्र हमें देता है, यह हमारा बर्थ चार्ट देता है। और इसमें भी जो हम एग्जैक्टली अपने पूर्व जीव, जस्ट पूर्व जीवन जन्म के विषय में अगर हम बात करेंगे तो वह शनि से देख सकते हैं। शनि से छठा भाव हमें बतलाएगा कि हमारा जन्म किस कारण से हुआ है, क्या ऐसे कर्म है जो हमारे बचे हुए शेष कर्म हैं, जो यदि हम इस जीवन में पूर्ण कर लें तो फिर
हमारा मुक्ति बहुत ही ज्यादा शीघ्रता से अपनी ओर बढ़ने लगेगा। अर्थात कि हम मुक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर पाएंगे। मुक्ति का अर्थ है कि इस भूलोक से, इस भौतिक जगत से अपने आत्मा को मुक्त कर लेना और दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करना, जन्म मरण के चक्र में दोबारा प्रवेश नहीं करना ही मुक्ति है। तो उस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यह जो हमें दिख रहा है, जो हमारा संसार है, जो अर्थ है, भूलोक है, सिर्फ इतना ही एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस असंख्य, जो सोचा नहीं जा सकता, इतना बड़ा है। भूलोक को तो नापा जा सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टेंस है, ईश्वर का जो क्रिएशन है, उसे नापा नहीं जा सकता। और ईश्वर सिर्फ अपने 1% पार्ट से क्रिएटेड है, बाकी अनक्रिएटेड है। ईश्वर अप्रत्यक्ष रूप से 99% है, सिर्फ 1% ईश्वर अपने प्रत्यक्ष रूप से है, साकार रूप से है। और उसी साकार रूप में बहुत छोटी इकाई यह भूलोक है, यह अर्थ है, जहां पर हमारा जन्म मरण होते रहता है। लेकिन इस जगत से जब मुक्ति मिलेगी, तब हम अन्य क्रिएशन को भी समझ पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और तब जाकर हम ईश्वर रूप, मैं आपको बतला दूं कि आत्मा, जो जीव आत्मा है, उसका जो परम जो छोर है, जो इंड है, वो ईश्वर रूप है। हम ही जीव आत्मा, मैं स्वयं विष्णु का आत्मा मेरा बन जाएगा। वैकुंठ में जो आत्मा वास करते हैं, वे साक्षात विष्णु के स्वरूप हैं, जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, वो सेम टू सेम भगवान विष्णु की तरह दिखने वाले हैं, सेम प्रकार का उनका स्वरूप है, सब चीज उनका एग्जैक्टली सेम है। तो वह आत्मा वहां तक पहुंच सकता है, वो जीव आत्मा, और अल्टीमेटली वह स्वयं ईश्वर बन जाता है, वो ईश्वर में ही समा जाता है, लीन हो जाता है। तो वो बहुत लंबा साइकिल है। अभी तो सबसे पहला हमारा कार्य है कि इस जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त कर पाना। तो मुक्ति को बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं, लेकिन मुक्ति का अर्थ, जो इसका कंसेप्ट है, वो जो मैंने आपको बतलाया। तो दोस्तों, शनि ग्रह से, कुंडली में शनि ग्रह आपके जिस भी भाव में स्थित हो, उस भाव से जब हम सिक्स हाउस काउंट करेंगे, तो जो भाव आएगा, वह भाव यह बतलाएगा कि आपके पूर्व जीवन में, आपके पूर्व जन्म में आपके किस प्रकार के कार्य शेष बचे हुए हैं। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि ग्रह कर्क राशि में स्थित हो, शनि ग्रह कर्क राशि में स्थित हो, कर्क राशि आपकी कुंडली के, मान लीजिए आप कन्या लग्न की जातक हैं या जातिका हैं, और आपकी कुंडली में शनि ग्रह आपके एकादश भाव में स्थित हो, शनि कर्क राशि में स्थित है। अब हम पूर्व जीवन के जो शेष कर्म है, वो शनि से सिक्स हाउस काउंट करेंगे, तो वहां पर वो दिखेगा। शनि से हम सिक्स हाउस काउंट करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो छठा भाव है शनि से, वह चतुर्थ भाव आ रहा है, चतुर्थ भाव आ रहा है। तो कुंडली का जो फोर्थ हाउस है आपका, वह बतलाएगा कि आपके किस प्रकार के कर्म बचे हुए हैं, पूर्व जन्म के जो आपको शेष रह गए हैं, जो आपको करना, निश्चित रूप से आप करेंगे तभी आपकी मुक्ति पॉसिबल है। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से, जिसमें कन्या लग्न की कुंडली है, शनि एकादश भाव में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, और शनि से सिक्स्थ हाउस में फोर्थ हाउस पड़ रहा है, तो ये फोर्थ हाउस क्या बतला रहा है आपके पूर्व जीवन के कर्म के विषय में, जो आपके बचे हुए कर्म हैं। मोस्ट प्रोबेबली या तो आपके माता जी के कर्म कुछ शेष हैं जो आपके प्रति उनको करना है, या फिर आपकी माता जी के प्रति आपके कुछ कर्म शेष हैं जो आपको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम बहुत ज़्यादा तुच्छ सोच विचारधारा में रह जाते हैं, जिसमें हम सिर्फ अपने जन्म देने वाली माता को समझते रहते हैं, लेकिन मातृस्वरूप किसी भी धर्म जाति
कहीं पर भी कोई भी माता सिर्फ ह्यूमन बींग ही नहीं, हो सकता है वो किसी एनिमल की माता, तो उस मातृ जो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितात् नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जो उस आद्य शक्ति का जो मातृ रूप है उसके प्रति कुछ ऋण आपका बचा हुआ है, कुछ वैसे कर्म बचे हुए हैं जो आपको पूर्ण करना है, जो आपने आप कर रहे थे लेकिन आप आधे में ही किसी कारण से उसे छोड़ दिया आपने, या तो आपकी मृत्यु हो गई या फिर आप दिग्भ्रमित हो गए, पथ भ्रमित हो गए, जिसे हम योग भ्रष्ट कहते हैं, आप योग भ्रष्ट हो गए। तो अब आपको इस जीवन में यह अवसर प्राप्त होगा कि आप अपने उस शेष कर्म को पूर्ण कर पाए, और वह अवसर कैसे प्राप्त होगा, अपने ही खुद के जीवन की स्थिति परिस्थिति के कारण इस प्रकार के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सिर्फ आपके ही जीवन में क्यों ऐसा है कि आपको माताजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा अपने रूटीन वर्क की तरह है, या फिर एक रेगुलर रिटेंडेंट प्रकार से आपको अपने कर्म को अपने माताजी के प्रति रखना होगा, जो आम व्यक्ति के जीवन में हो सकता नहीं हो, लेकिन आपके जीवन में उस प्रकार की स्थिति है, तो वह इसी योग के कारण होता है। शनि से जब हम सिक्स हाउस को देखेंगे तब हम यह जान पाएंगे कि आपके किस प्रकार के कर्म बचे हुए हैं पूर्व जीवन के, जो आप करेंगे तभी मुक्ति पॉसिबल है। एक एग्जांपल हमने लिया, आशा करता हूँ आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किस विषय में आप वीडियो देखना चाहते हैं यह भी आप हमें कमेंट में बतला सकते हैं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त, मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।